स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का आपका रावी की फाइल है। आप इसको कैसे फिल कर सकते हो, ठीक है, कैसे इजीली इसको फिल कर सकते हैं, वो सभी डिटेल्स हम आज बात करेंगे इस पर। ये आपका इंडेक्स है, आप इंडेक्स भर सकें। सबसे पहले इंडेक्स को भरना है, कौन सी तारीख में एक्सपेरिमेंट किया, कौन से नंबर पर है, वो डिटेल्स होनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट इसको कॉपी ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। ये एक डेमो क्लासेस हैं, आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप कैसे इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। अपना थोड़ा सा माइंड कीजिएगा, और रावी में अगर आपने काम किया है, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस में आपने काम किया है, तो वो सब चीज़ें आप ज़रूर देखें। अपने लेवल पर अगर आपने इसमें रावी किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, तो गलत मत भरना डाटा, ठीक है। कॉपी मत करना, बिल्कुल कॉपी डाटा मत करना, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। द चार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीड, ओके, एक चार्ट बनाना है यहाँ पर, ठीक है। प्रोसेसिंग फ्रॉम द विलेज, ठीक है। डिटेल ऑफ द सीड प्रोड्यूसिंग फार्मर के द्वारा जो सीड प्रोड्यूस किया गया उसके बारे में, पर्टिकुलर या स्टूडेंट ऑफ डायरी, ये सब चीज़ें हैं। आप लोग सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, ये आपका सब्जेक्ट है। सीड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पूछना है। गांव से बीज विज्ञान संपन्न की सूचना का प्रारूप है। द चार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीड प्रोसेसिंग फ्रॉम द विलेज, ठीक है, यानी कि जो सीड प्रोसेसिंग गांव से हुई है उसके बारे में आपको एक चार्ट इन्फॉर्म करना है, चार्ट बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसान का नाम यहाँ पर लिख सकते हो, विलेज लिख सकते हो, क्षेत्र का नाम आप लिख सकते हो, यहाँ फील्ड है कितना, फील्ड नंबर कितना है आपका, जो खेती नंबर होता है 5/6 इस तरह, खेत का साइज कितना है, ये सब चीज़ें हैं, 2.8 एकड़ है। फसल में कौन कौन सी, मतलब खेत में कौन कौन सी फसलें ली जाती हैं, उसकी वैरायटी का नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे वीट है, वीट में ये चलती हैं। टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस मेन टेम्परेचर होता है वेदर में, अक्टूबर 2022 में, ये सब चीज़ लिख सकते हैं। फसल परिपक्वता की तिथि कौन सी है, डे आफ्टर सोविंग, डी ए एस का मतलब होता है डे आफ्टर सोविंग, यानी कि बुआई के बाद, कौन सी तिथि है कटाई की आप लिख सकते हो यहाँ पर। मंडाई की थ्रेसिंग जो होता है उसका किस प्रकार का है, पैग टाइम थ्रेसिंग, जो पैग होता है PEG पैग टाइप थ्रेसर एंड द चॉफ कटर, ये सब चीज़ लिख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। क्या छटाई की गई, यस की गई, तो ये सब आप लोग लिख सकते हो। यदि हाँ तो प्रयोग की गई है तो इसमें आप यस लिखेंगे, और इसमें किस प्रकार आपने की है वो आप लिखोगे, ठीक है। क्या बीज शोधित किया गया है, यदि हाँ तो उसके बारे में लिखना है, किस सीड के द्वारा बीज को शोधित किया गया है। देखो, बीज शोधित का मतलब होता है सीड का ट्रीटमेंट करना, सीड ट्रीटमेंट करना, क्या करना, सीड का ट्रीटमेंट करना, यानी कि जब आप बीज को बहुत समय इसको ट्रीट करें, ठीक है, उसको उपचारित करके बोए। क्या बीज शुद्धता जमा या नमी प्रश्न है तो भेजा गया, अगर भेजा गया है तो यस लिखें, अदरवाइज नो लिखें। कंटेनर का प्रकार जिसमें बीज को रखा जाता है आप लिख सकते हैं, बम्बो स्ट्रक्चर का है, इतने ग्राम का है। मड, ये मड का भी बना सकते हो आप, मिट्टी का भी बना सकते हो, उसका स्ट्रक्चर, उसका साइज भी लिख सकते हो। क्या कंटेनर दोबारा प्रयोग में लगाया, अगर लाया गया तो बिल्कुल आप लिख सकते हो कौन सा कंटेनर लगाया, ठीक है। कर्षक स्तर पर बीज परीक्षण प्रयोगशाला, लैब ऑफ द सीड एक्सपेरिमेंट एट द फार्मर लेवल, ओके, यस, इट टू टेस्टिंग द, ये सब क्लीनर, ये सब चीज़ें आप लिख लेना। भंडारण करते समय नमी का प्रतिशत कितना रहा, इतना परसेंट रहा, मॉइस्चर के समय, स्टोरेज करते समय, तो इतना ही होना चाहिए भी, ठीक है। बीज उत्पादन करने वाले कृषक के बारे में बताना है कि कौन सा फार्मर है जो बीज का उत्पादन कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है। कृषक का नाम आप लिख सकते हो, गांव का नाम आप लिख सकते हो, जिला आप लिख सकते हो, जोत की सीमा बता सकते हो आप कैसे, ठीक है। शुगर कैन लेते हो तो उसकी वैरायटी, डिग्री सेल्सियस, सब कुछ आप लिख सकते हो स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। NPK कितना डाला गया खेत में, आप NPK की मात्रा भी लिख सकते हो। सिंचाई का साधन ट्यूबवेल के द्वारा होता है मोस्टली यहाँ पर। निराई गुड़ाई इंटरकल्चर ऑपरेशन की गई है तो बिल्कुल की गई है, क्या करने के लिए, इमर्जेंस ऑफ वीड, जो वीड है उसको रोकने के लिए की गई है, ठीक है। फसल सुरक्षा जो की गई है तो इस तरह आप लिख सकते हो आप, पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, कल्चर मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अनुवांशिक जेनेटिक प्योरिटी ऑफ टाइप प्लांट, आप जेनेटिक प्योरिटी के बारे में आप लिख सकते हो। खेत में प्रयोग किए गए खतपतवारों का वनस्पति नाम भी सेपरेट, जिसे आपको मोथा कहते हैं,
सनोडियम डॉक्टिकोम, जिसे आपको दूब घास के नाम से जानते हैं, दूब घास, दूबड़ा या दूब घास के नाम से जानते हैं, ये आपको लिखने हैं, ठीक है। अगर है तो क्या रोगिंग की गई है, रोगिंग का मतलब होता है किसी खेत में से दूसरे जो वीड्स होते हैं उसको निकालना रोगिंग कहलाता है। तो अगर की गई है तो रिमूवल ऑफ द ऑफ टाइप प्लांट, ऑफ टाइप प्लांट का मतलब होता है जो अलग प्लांट होता है, डिफरेंट प्लांट होता है। दूसरी फसल के पौधे जो खेत में प्रयोग किए गए हैं कौन कौन से हैं, यस सेम वीट क्रॉप प्लांट ड्यू टू द लो रीजन कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप, ओके। तो ये सब ठीक हैं, आप कॉस्ट ऑफ रीजन आप थोड़ा सा देख सकते हो, डिटेल्स भी बहुत अच्छे से हैं, डेट ऑफ इंस्पेक्शन को कौन सी तारीख को आपने इंस्पेक्शन कराया था उसकी डेट आपको लिखनी है, किस तरीके से आप कटाई करते हो, हार्वेस्टिंग का मेथड क्या है होता है, कॉमनली आपका मैनुअली मेथड होता है लोग, ठीक है, इस तरह से है मेथड ऑफ स्टोरेज, ये सब लिखना है। क्या बीज बेचा गया, यस बेचा गया, कितना बेचा गया, क्या अगले वर्ष बीज के लिए भंडारण किया गया, अगर किया गया तो ये सब चीज़ें लिखनी है। फिर वही है पर्टिकुलर स्टूडेंट डायरी है, ये स्टूडेंट की डायरी है, आप इस तरह से आप डिटेल्स आप भर सकते हो, ठीक है। ये विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, टू नो वेदर द सीड इज प्योर या नॉट, ओके। ये हमारा सब्जेक्ट, हम देखेंगे कि जो सीड है वो सही है या नहीं है, प्योर है नहीं है, तो वर्किंग एक्टिविटी आप लिखेंगे यहाँ पर, जानकारी भी आप लिखेंगे, ठीक है। बता देता हूँ सीड की वायबिलिटी चेक करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, पोटेशियम, आप एक नाम सुना होगा आपने 235, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ठीक है, इस तरह का कुछ एक होता है, आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो, आप फिजिकली ट्रीटमेंट भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे आपका आपसे पूछा जा सकता है कि जो गेहूं होता है, गेहूं का बीज का जो मेथड होता है, वायबिलिटी का मतलब होता है कि वो सीड जर्मिनेट होगा या नहीं होता होगा, उस कंडीशन को हम सीड वायबिलिटी कहते हैं, उसके जीवन क्षमता को यानी कि जांच करना कि वो जर्मिनेट होगा नहीं होगा, ठीक है, उसको हम वायबिलिटी ऑफ सीड के नाम से जानते हैं। तो ये सब हैं विद्यार्थी की डायरी, आप लोग इन सबको लिख लोगे, यही सेम है एक्टिविटी वगैरह सब सेम लिख लोगे, इसको भी थॉट की बात करें तो ये सब थॉट हैं आपके, क्या थॉट्स हैं, क्या सीखा आप लोगों ने, सब कुछ लिखना है इसमें, थॉट टेबल आपके एक हो, थॉट टेबल आई, ठीक है, समस्या आपने क्या क्या किसान की समस्याएं थी, क्या आपने उसको सजेशन दिया, वो सब चीज़ें आपको लिखना है, ये आपकी रिपोर्ट है इस तरह से, ओके। तो आज के लिए इतना ही है, अगर किसी को कोई डाउट समझ में नहीं आया तो